वेरी गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई एम रूही मैम। टूडे वी रीड मैथ इन स्टैंडर्ड टू। कैलेंडर, मंथ्स एंड डेज। आप सब जानते हैं कैलेंडर में मंथ्स और डेज दिया जाता है, जिससे हमें हेल्प मिलता है कि हमें ये जानने के लिए मिलता है कि कौन सा मंथ चल रहा है और कौन सा डे आज है। मंथ्स, नंबर ऑफ डेज, ये आपको मालूम है कि ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और उनमें 1 से लेकर के किसी में 30 तो किसी में 31 और किसी में 28 या 29 डेज होता है। तो यहाँ देखिए दिया गया है, जनवरी में 1 से 31 डेज होता है, फरवरी में 1 से 28 होता है और हर 4 ईयर के बाद फरवरी में चेंज आता है कि 28 की जगह 29 डेज होता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है हर मंथ के आगे कि हमारा मंथ किस डे तक लास्ट होता है। पैटर्न्स, सिमिलरली यू कैन सी वेरियस सच फिगर्स ड्रॉन इन द पैटर्न्स ऑन द सर्फेस ऑफ टेम्पल्स, मस्क्यूज, हाउसेज, क्लोथ्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स एट्सेट्रा। आप सब देखते हैं बहुत सारे अलग अलग फिगर के बने हुए होते हैं, टेम्पल्स, मस्क्यू, हाउसेज, क्लोथ्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। वो इस टाइप से, यहाँ आपको फिगर दिया हुआ है, इस टाइप से बना रहता है तो इसे हम पैटर्न कहेंगे। इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 94, 96, 98, 100। दीज नंबर्स एंड वेज 0 और 2 और 4 और 6 और 8, दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 0, 2, 4, 6, 8, ये सब हमारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर आर दोज नंबर्स विच आर डिवाइडेड बाई 2, या फिर सिंपली आप ये जान सकते हैं कि इवन नंबर्स हम किसे कहते हैं, तो जो 2 से डिवाइड हो जाता है उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। ओड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 93, 95, 97, 99। दीज नंबर्स एंड विद 1 और 3 और 5 और 7 और 9, दीज आर कॉल्ड ओड नंबर्स। 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे ओड नंबर्स है। ओड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाई 2। ये आप जान सकते हैं कि ओड नंबर हम कैसे पता करेंगे, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम कहेंगे ओड नंबर्स। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इवन और ओड किसे कहते हैं। जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो ओड नंबर। इंक्रीजिंग पैटर्न, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इंक्रीजिंग पैटर्न में छोटे से वो बढ़ते हुए चला जाता है, जिसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग पैटर्न। डिक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न में वो घटते हुए चला जाता है, जिसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग पैटर्न। यहाँ देखिए आपको इंक्रीजिंग पैटर्न में दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बढ़ते हुए चला गया है, और डिक्रीजिंग में 20, 19, 18, 17, ये घटते हुए चला गया है। तो इसे हम कहेंगे डिक्रीजिंग और इसे कहेंगे इंक्रीजिंग पैटर्न। डाटा हैंडलिंग, टेलीमार्क्स, डाटा हैंडलिंग में टेलीमार्क्स पढ़ा जाता है। दीज लाइन्स आर नॉन एज टेलीमार्क्स, ये लाइन जो बनी हुई है इसे हम कहेंगे टेलीमार्क्स। सपोज नंबर ऑफ रेड बैलून्स 12, नंबर ऑफ ब्लू बैलून्स 5, नंबर ऑफ येल्लो बैलून्स 11। यहाँ आपको 12 बैलून्स दिखाया गया है। यहाँ देखिए हम 12 किस तरह से टेलीमार्क्स में बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 4 लाइन्स दी गई है और 5th लास्ट 5 लाइन्स को इस तरह से टेढ़ी करके दी गई है, तो हमारा ये 5 लाइन्स हो गया। इस तरह से 5 लाइन्स फिर हो गया तो हमारा 12 पूरा हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से हम हर एक का टेलीमार्क्स बनाएंगे। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए और समझिए।